हेलो एम एस सी, वेलकम टू बाइक माई चैनल। देखिए, एम एस सी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास एक यूनिट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड इनऑर्गेनिक पार्ट में फोर्थ यूनिट है, उसमें हमारे पास सी एफ टी है, लिमिटेशन ऑफ सी एफ टी। अब देखिए, लिमिटेशन ऑफ सी एफ टी क्या है? क्यूस्टर फिट थ्योरी या आइडिया ऑफ क्यूस्टर फिट थ्योरी। अब सी एफ टी से पहले वी बी टी थ्योरी दी गई थी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, उसकी कुछ लिमिटेशन थी जिसके बाद सी एफ टी दी गई। सी एफ टी के बेस पे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है कि कंपाउंड वीक लिगेंड के साथ अटैच होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अटैच होता है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल होता है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल होता है। सी एफ टी आइडिया ऑफ क्रिस्टल फिट थ्योरी, सम फीचर्स ऑफ सी एफ टी। अब सी एफ टी के कुछ फीचर इस प्रकार है, इस थ्योरी के सम फीचर इस प्रकार है। कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आया, वेरियस कंपाउंड होता एटम से के द्वारा सराउंड होता है, जिसे लिगेंड कहते हैं। ये थ्योरी थोड़ी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए। लिगेंड सेंटर में अप्रोच करते हैं, देन सेंटर में मेन पॉइंट आ जाता है। ये नोट्स है, ये आपको आप खुद पढ़ लीजिए, इसको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, तो सी एफ टी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसने कहा क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग में जब शो किया जाता है, जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो टू सेट में डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसको T2g सेट और EG सेट कहा जाता है। T2g सेट और EG सेट कहा जाता है, क्योंकि d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल को एक जो 3d ऑर्बिटल होते हैं उसको T2g सेट कहते हैं, और सेकंड जनरेसी को EG सेट कहते हैं। EG सेट को dx² dy² dz² कहते हैं, और T2g सेट को dxy dyz dxz कहते हैं। 5d ऑर्बिटल होता है, ये भी थ्योरी है, आप खुद पढ़ लीजिए, इसको बताने में कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका ज़्यादा। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग को किस प्रकार शो किया जाता है, तो ये दिखा रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें 5d ऑर्बिटल होते हैं, अब्सेंस ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अब्सेंस ऑफ लिगेंड, जिस टाइम सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड अप्रोच नहीं होते हैं, ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। फिर सेंट्रल मेटल आयन, ये 5d ऑर्बिटल होते हैं जब प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रेजेंस में होते हैं। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो टू सेट में डिवाइडेड होता है, T2g सेट एंड EG सेट। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG सेट की एनर्जी हाई होती है और T2g की एनर्जी लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिक्स लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल आयन सिक्स लिगेंड के साथ अप्रोच करते हैं, जैसे अप्रोच करते हैं इसमें T2g सेट जो होता है बिटवीन द एक्सिस होता है, और जब बिटवीन द एक्सिस होता है तो सेंट्रल मेटल के आयन के साथ उसके साथ कम रिपल्सन होता है, लिगेंड उसके कम रिपल्सन करते हैं। अब कम रिपल्सन करने के कारण उसकी एनर्जी लो होती है, और जो EG सेट होता है ऑक्टाहेड्रल गैस में वो एक्सियल ऑर्बिटल होता है, ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। जब ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं तो उसमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है, रिपल्सन मैक्सिमम होने के कारण ही उनकी एनर्जी हाई होती है, और टोटल एनर्जी का जो एवरेज आता है वो 10 dQ आता है, 10 dQ टोटल एनर्जी का एवरेज 10 dQ आता है। या हाइपोथेटिकली जो सिचुएशन होती है जब एब्सेंस ऑफ लिगेंड होते हैं, अभी ई सेट अप हो जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। जो ये वाला कर्व है ये थोड़ा मतलब लॉन्ग बनेगा कंपेरिजन टू T2g सेट के, क्योंकि ये 6 dQ होता है, ये 4 dQ होता है, 6 और 10 dQ होती है टोटल इसकी। अगर एनर्जी हम बात करें 10 dQ होती है। फिर उसके बाद ये 5d ऑर्बिटल जो होते हैं उसको अलग अलग करके दिखाया जाता है कि T2g सेट और EG सेट किस तरीके से बिटवीन द एक्सिस होते हैं, T2g सेट और EG सेट ऑन द एक्सिस होते हैं, स्प्लिटिंग इन ऑर्बिटल प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। जस्ट नॉलेज के लिए dxy dyz dxz dx² dy² dz² EG सेट होते हैं, और dxy dyz dxz T2g सेट होते हैं, जिसको थर्ड जन ट्रिपल जनरेसी कहा जाता है, EG सेट को सेकंड डबल जनरेसी कहा जाता है। अब जो T2g सेट होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन की जब बिटवीन द एक्सिस होते हैं तो उसमें कम रिपल्सन होता है, कम रिपल्सन होने के कारण ही उनकी एनर्जी
लो होती है, ये डी एक्स वाई होता है, एक्स और वाई, एक एक्सिस ये रही वाई एक्सिस ये रही, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं तो कम रिपल्सन होता है, डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है, इसमें भी बिटवीन द एक्सिस होते हैं, डी एक्स जेड होता है, इसमें भी बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस जिसके कारण में रिपल्सन नहीं होता, बट टेट्राहेड्रल देखिए इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, थ्योरी जो लिखी हुई है जो पैसे आप मैंने बताई आप पढ़ लेना, थ्योरी का जस्ट उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है उसमें। अब जो डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस होते हैं, सिर्फ जेड एक्सिस पर ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जब इसमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रिपल्सन होने के कारण ही उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण 6dq तो नॉर्मली होती है, लेकिन बस जो कर्व है जो डायग्राम में जो ऊपर दिखाया जा रहा है, इसका कर्व ag सेट अप होता है और t2g सेट नीचे होता है, बस अब टेट्राहेड्रल के केस में ये ag सेट नीचे आ जाएगा, t2g सेट ऊपर चला जाएगा, t2g सेट ऊपर चला जाएगा। अब ये कर्व लॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये 6dq है, ag सेट की जो लेंथ है 6dq होती है और इसकी 4dq होती है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए उसके बाद हमारा नया जो आता है नई हेडिंग डलती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो हेडिंग आती है वो आती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में अलग तरीके से होता है और वीक लिगेंड में अलग तरीके से होता है। वो क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है हुड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है, कि पहले लोअर एनर्जी में जाएगा बट फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले समय में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं तो वह हाई स्पिन वाले लो स्पिन में होते, तो इस हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में नहीं जाते, लो एनर्जी में ही पहले पैरअप होते हैं, पैरअप होने के बाद हायर एनर्जी में जाते हैं, वो थ्योरी में वही लिखा हुआ है, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, थ्योरी में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थ्योरी में कुछ नहीं, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बस आप ये समझ लीजिए, अगर ये समझ आ गया तो आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को इस प्रकार शो किया जाता है, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स होता है, ये नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी टेन तक लिख लीजिए। अब दूसरे टेबल यहाँ पे एक टेबल बनाइए, टेबल के दूसरे बॉक्स में लोअर एनर्जी लिखिए, लोअर एनर्जी कौन सी टी टू जी सेट, अब हायर एनर्जी ई जी सेट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन और सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले लोअर एनर्जी में एक जाएगा, फिर दूसरे क्योंकि टी टू जी सेट में तीन डी ऑर्बिटल है ना, तो एक पहले डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक दूसरे वाले डी ऑर्बिटल में, फिर तीसरे वाले में, उसके बाद हायर एनर्जी में जाना चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग लोअर एनर्जी में होने लगती है, जब इसमें पैरअप हो जाते हैं उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ फिर उसके बाद पैरअप होने स्टार्ट, एक और इलेक्ट्रॉन आया, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में लिखिए, एक नंबर ऑफ अनपेड, दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, थ्री नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब सी एफ एस सी की बात करें, टी टू जी सेट में जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप उसको फोर माइनस फोर डी क्यू, क्योंकि उसके अंदर फोर डी क्यू कितने था, अगर डी क्यू की बात करें हम तो फोर डी क्यू था, ई जी सेट का 6dq था, तो एवरी इलेक्ट्रॉन पे हम 4 इंटू 4 प्लस 4 करते जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे 4dq, दो इलेक्ट्रॉन पे 8dq, थ्री इलेक्ट्रॉन पे 12dq, फोर इलेक्ट्रॉन पे 16dq, फाइव इलेक्ट्रॉन पे 20dq और सिक्स इलेक्ट्रॉन पे 24dq। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ई जी सेट में होगी, हायर एनर्जी लेवल में होगी, क्योंकि अब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल प्रॉपरली कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं, उसके बाद हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में होगी, अब जैसे हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में होगी तो उसको माइनस कर देगी, उसको माइनस कर देगी,
माइनस कितना करेंगे, 6 6 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 6D क्यों होता ना, जो इसकी लेंथ दिखाई गई थी कर्व में, आप देखिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया है, ईजी सेट का जो कर्व है उसकी एनर्जी की जो डिस्टेंस है वो 6D क्यों है। 24 में से 6 जाएगा तो 18 आएगा, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की जगह फिलिंग होगी, फिर 18 में से 6D क्यों को माइनस करेंगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन में फिर 18 में 6D क्यों माइनस करेंगे, फिर 12D क्यों आएगा, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन में फिर 6 को माइनस करेंगे तो प्रॉपरली 0 आ जाएगा। जैसे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का एक बॉक्स बनाना, जैसे इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें दो पेयर, इसमें तीन पेयर इलेक्ट्रॉन, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें फोर्थ पेयर इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में 10D में 6 पेयर इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है, बस नंबर ऑफ P1 से लिख दीजिए, P2 या पूरा लिख दीजिए आप पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी थ्योरी है। उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे वीक लिगेंड फील्ड तब हाई स्पिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इस तरीके से उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सॉरी वीक लिगेंड। अब वीक लिगेंड में जो इसका उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही होती है, वो थ्योरी में आगे दिखा दूंगा। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, पहले लोअर एनर्जी में जाता है फिर हायर एनर्जी में जाता है। अब जब हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन में इसी ऐसे ही होता है कि अब हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सब में सिंगल ही सिंगल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो अलग था, उसमें क्वांटम नंबर का सेट होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर, और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल के बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब वीक लिगेंड के केस में जब वीक लिगेंड के साथ सेंट्रल मेटल आयन अप्रोच करता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा। अब 3D ऑर्बिटल है तो तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएगी, अब लोअर एनर्जी में पैरअप नहीं होंगे वीक लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में लो स्पिन है तो उसमें पैरअप हो जाएगी। अब पैरअप होने की बजाय हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा फोर्थ, पहले 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, उसके बाद पेयरिंग लोअर में होना स्टार्ट होगी वीक लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये डायग्राम है वीक लिगेंड का, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए, थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे बता दीजिए, थ्योरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बस आप डायग्राम देख लीजिए, उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। देखिए लो एन एनर्जी, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल या डी इलेक्ट्रॉन लिख दिए, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल होता है D1, D2, D3, D4, 10 तक लिखना, ओके। लो एन एनर्जी सेट, हायर एनर्जी, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी T2G सेट की 4D क्यू थी और EG सेट की 6D क्यू थी, उसमें जो चेक कर लीजिए आप, तो शुरू में मैंने बताया था जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को समझ लीजिए बस। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिंगल डी ऑर्बिटल में जाएगी, फिर दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगी, फिर 3D ऑर्बिटल में जाएगी, तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब वीक लिगेंड के केस में इसमें पेयरिंग नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगी, फिर उसके बाद सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद 5D ऑर्बिटल में, उसके बाद स्टार्टिंग से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हुंड्स रूल की अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 12th हो गई। अब जैसे अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हायर एनर्जी में स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हायर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 6 को 12 से माइनस करेंगे, तो जैसे 12 से 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे 6 में से 6 जाएगा तो 0D क्यों आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगेन से लोअर एनर्जी में होना स्टार्ट हो जाएगी, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फिर से 4 हो जाएगी, और सेकेंड पे 8 हो जाएगी, थर्ड पे 12th हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन की जब ये तीनों के तीनों पेयर हो गए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ईजी सेट में होगी। अब ईजी सेट में जैसे ही होगी तो फिर उसके बाद 6+6 करते जाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे 6 हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस करेंगे, 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6D क्यू आएगी लेवल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जैसे 10th इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो -0D क्यू आएगी। वीक लिगेंड के गैस में दो बार एनर्जी 0 लेवल पर आती है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के गैस में सिर्फ एक बार लास्ट में 0 पर आती है। अब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन सब में 5 होगी, उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन ये लास्ट में सबके सब पेयर हो जाएंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बाद आता है
क्रिस्टलफेड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्रिस्टलफेड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहीं के लिए ओके, थैंक यू।